अरे बोलो ना भाई, अच्छा लग रहा है कि नहीं? जबकि अभी तकरीर शुरू नहीं किए, ये सब ट्रेनिंग है। टेलर जटहा की जमीन, आगे वाला नहीं बोलेंगे, जटहा की जमीन। जो काम दम में होता है ना, वो बम में नहीं होता। बोलिए चाचा, जो काम दम में होता है बम में होता है? वही हम बोल रहे हैं कि जो काम दम में होता है वो बम में नहीं होता है, तब वही हम बोल रहे हैं। हाँ, अरे कल से आपको मेरे साथ में रहना है। जहाँ जहाँ मिस्टेक करा फिर पकड़ा। हाँ भाई, जुगाड़ू आदमी। जैसे मिसाल के तौर पर अक्रम साहब की शादी, भाई शादी थी, हो गई ना। अब इतना ये मेहनत किए बेचारे कि बुखार लग गया, अब लाए दो बम और मार दिए, काहे ठीक हो जाएगा, बम में ठीक होगा। और बुखार लग गया, सर में दर्द है, अलहाज मुबारक हुसैन कर देंगे दम, तो बोलो ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। तो जो काम बम से नहीं होता वो काम दम से होता है। बता दें एक बात, मिसाल दे दें। 92 में अखबार में खबर हमने पढ़ी थी, बड़ा बचपना था, आप लोग बड़े लोगों को मालूम होगा। अमेरिका वालों ने इराक वालों पर, कौन गंजी वाला है, ओ दीवाना, बढ़ जाओ बढ़िया बढ़िया, हमारी तकरीर अगले पगला सुनता है। ये बोल रहे दिगस का हुआ, अरे कब कमाल है बोला जिस तक कि दिमाग काम नहीं कर रहा मगर नबी की बात सुन रहा, इससे बड़ा दीवाना क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत मौलाना कादरी साहब क़िबला। मैं अर्ज कर रहा था कि सुनिए, 92 नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। 92 में अमेरिका वालों ने इराक वालों पर बमबारी किया था, आप लोग भी सुने होंगे, बोले सुने कि नहीं सुने, अरे आप लोग जानते हैं ये बात। 92 में अमेरिका वालों ने इराक वालों पर बमबारी किया था, सही या गलत? हम भी पढ़े, लेकिन जब बगदाद शरीफ गए चाचा, वाकई में अभी भी गोलियों के निशान हैं दीवार पे। मगर उसी अमेरिका ने जो बमबारी किया था, वो एक बम गौसे आजम के बुलंद दरवाजे पे गिरा, मेन दरवाजा, लेकिन वो बम फटा नहीं। मैंने बम और दम कहा है, गौर कीजिएगा जुमले पे, वो बम फटा नहीं। उस जमाने में मेरी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े खतीब हुजूर सैयद हाशमी मियां साहब की बिला ने फरमाया था कि आलम तसव्वुर में मैंने सब बम से पूछा, ए बम गिरा कैसे? तो बम ने कहा अमेरिका के कहने से, फटा क्यों नहीं, कहा गौसे आजम के कहने से। तो बम गिरता है अमेरिका के कहने से, मगर फटता नहीं गौसे आजम के कहने से। पैसा के चक्कर में टाइम ना खराब हो रहा हो, देना ही है तुम्हें, उनके कदम में दीजिए, बरकत होगी, मिला ये पैसा। आप लोग एक बार तड़प के बोल दीजिए, तो एक जुमला मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, गौसो ख्वाजा रजा मुजाहिद के मानने वाले हैं। ए दुनिया वालों, तुझे घमंड और फख्र है बारूदों बम पर, हम सुन्नियों को फख्र है गौसे आजम के करम पर। अरे बोलो ना भाई, अच्छा लग रहा है कि नहीं? जबकि अभी तकरीर शुरू नहीं किए, ये सब ट्रेनिंग है। टेलर जटहा की जमीन, आगे वाला नहीं बोलेंगे, जटहा की जमीन कैसी है वो हम चेक कर रहे हैं।
माल तो पकड़ लिया हाजी साहब, अब हम घंटों बोल सकते हैं, अल्लाह करम अरे लोग छोड़ेगा भी नहीं। क्या छोड़ोगे? अरे बोलो, मगर हम नहीं करेंगे, हम भी अपना भाव बढ़ाएंगे। जब फिर कभी आए नवाजी साहब, दो बार तो आपकी दावत में ना आए, तीसरी बार आए ना, अब चौथी बार ये हाल नहीं होना। दावत दीजिए सबको, मगर जलसे में उसी से पढ़वाइए बुलवाइए जिसकी जरूरत। हम ये नहीं कहते हम ही बुलाइए, हम ये नहीं कहते अलहाज मुबारक हुसैन को बुलाइए, हम ये नहीं कहते कि सारे इस्लाम शहजाद साहब को बुलाइए, हम ये नहीं कहते मौलाना मुस्तकीम को बुलाइए, हम ये आपको नहीं कहते शाहबाज बाबू को बुलाइए, कारी शफा मौलाना शफाज बरकाती को बुलाइए, मास्टर फैजी साहब को बुलाइए, नहीं उसको बुलाइए जिसकी जरूरत। भैया गलत बोल रहे, उसी को बुलाइए, दो आदमी की जरूरत है, दो आदमी बुलाइए, दो नाथ खां और दो खतीब, एक घंटा बोलेगा जब के पढ़ेगा। अब यहाँ खाली ऐलान हो रहा है, फलना साहब आ गए, फलना साहब आ गए, फलना साहब आ गए, फलना साहब आ गए, 3:30 बज गया। गलत हम बोल रहे हैं, बोलिए ना भैया, हम लोग नामे में चल जाते, जाते 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 लड़का लोग बोल रहा था मुबारक, इतना अफसोस से बोल रहा था, लगा उसका खानदान का 2-3 आदमी आज ही इंतकाल कर गया, मैंने उसको अफसोस लगा। जब मैं जाने लगा, भाई शादी ब्याह लगन है, भाई तारीख है, सब थका माना है, चाचा गलत बोल रहे, अरे जलसा 1:30 बजे 2 बजे खत्म, आप तो मिला ये टाइम खत्म होने का टाइम है, बोली गलत बोल रहे हैं। तो आप लोग सब इलाके के हैं कि नहीं है? तो आप, मेरा नाम मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी है, पूरा हिंदुस्तान मौलाना चतुर्वेदी कहता है, ठीक है? नेट में बहुत सारी तकरीरें हैं आपकी दुआ से, एक तकरीर पे क्लिप तो मेरा ऐसा है जो 90 लाख लोगों ने देखा जी, ये उसमें मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी धनबाद। कभी तकरीर सुननी हो तो हमको बुलाइएगा, इनके जरिए बुलाइए, इनके पास नंबर है, इनके बुलाइए, इनके पास नंबर है, इनके जरिए बुलाइए, इनके पास नंबर है, इनके पास इतना नंबर है यही भेजते हैं। अब सुना के तो देखिए भाई, आज तकरीर नहीं की, हम माफी चाहते हैं, और भाई इजाजत है, बोलना पड़ेगा, इसलिए नहीं जाएंगे, कैसे आएंगे हम, नहीं जाएंगे सारे इस्लाम शहजाद समलपुरी साहब, कैसे आएंगे? अच्छा आप लोग ईमानदारी से बोलिए, आधा घंटा अभी हम ही बोल देंगे, 2:30 बज जाएगा, आधा घंटा ये पढ़ेंगे 3 बज जाएगा, वो बेचारा आकर के फिर क्या करेगा, झाल बजाएगा, मेहमान है जी, उड़ीसा से आया है, हम लोग नहीं समझते, हम लोग समझते ही नहीं समझते, हमारा मेहमान है, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है कि नहीं है? तो सब लोग हम लोग मिलकर इज्जत बचाएंगे नहीं बचाएंगे? तो हम लोग पहले किसको सुनेंगे, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को सुनेंगे या शायर इस्लाम शहजाद समलपुरी को सुनेंगे? किसको सुनेंगे? संभलपुरी आप लोग, मुबारक हुसैन, अरे हम फैसला कर रहे, फैसला टकरा जाएगा। आप सुनिए, कुछ लोग का कहना है अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, कुछ लोग कहना है शहजाद संभलपुरी, तो आप आए सुनने के लिए, हम लोग सब आए दावत में, और हम लोग को बुलाया कौन? अकरम नवाज, फैसला इनका होगा, कौन पहले बढ़ेगा? ना हम अपना फैसला सुनाएंगे, ना इनका फैसला लेंगे, हम नवाजी का फैसला। बोलो भाई जल्दी से। हाँ अरे चाचा चार्ज है भाई मेरा, चाचा चाचा ऐसा वैसा चाचा, हम लोग चतुर्वेदी चक्कर में फंसे हुए रहते भाई, मैं दोपहर एक बार तकरीर करने गए, 3:30 बजे रात में हमको उठाया, बीच में सिदरा चाचा लोग बैठा था, सो रहा था, आंख बंद थी, मुंह खुला था, तो चाचा सलाम किए, वालेकुम सलाम, चाचा ने कहा चाचा सो रहे हैं? कहा नहीं सोच रहे हैं, मतलब पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं चाचा, आंख बंद है, मुंह खुला है, और आप बोल रहे हैं सोच रहे हैं? तो गुस्सा गए, भाई बीपी आजकल सब रहता है ना, बोला चतुर्वेदी साहब दिमाग मत खराब, यहाँ 3 बजे रात आइएगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कीजिएगा, आपको कुछ बताए क्या हुआ? बोला 8 बजे जलसा शुरू हुआ, और जलसा सुन सुन करके कान भर गया है, इसलिए हम लोग मुंह खोल दिए हैं, डायरेक्ट माल अंदर ले रहे हैं, बात समझ आ रही है?
तो ऐसा हादसा हम लोग नहीं होने देंगे भाई। इसलिए हम फैसला कर दिए और इंशाल्लाह आप लोग और आप सबकी मोहब्बत बाकी रही, नवाज साहब किबला की मोहब्बत बाकी रही, शहबाज बाबू मौलाना मुस्तकीम साहब बरकाती महशर फैजी साहब सब लोग आप लोगों की मोहब्बत, तो इंशाल्लाह तकरीर आपको सुनाएंगे और आप कहने पे मजबूर होंगे कि हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह अल्लाह अजीज इंशाल्लाह। हाँ सब लोग उठाइए और नारा लगाइए, हम दुआ देंगे। नारे तकबीर, देख लीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। ए अल्लाह जितने लोग बैठे हैं सबको मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे, बगदाद का मुसाफिर बना दे, करबला का मुसाफिर बना दे। वक्त है कम इसलिए मौलाना मुस्तकीम को नहीं आने देंगे हम, और हम शेर पढ़ते हैं कि हवा का रुख है किधर, इसको जांचने के लिए जमी की खाक को हवा में उड़ाकर देखते हैं। और सुना है बड़ी अच्छी नात खानी होती है जनाबे मुबारक हुसैन की, अगर ये सच है तो माइक पर बुला कर देखते हैं।